अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी खैरियत से हैं। बिल्कुल। तो गाइज़ आज डे टू है, तो आज जो है कबूतरों को हमने रात को बंद कर लिया था, आपने जैसे पिछले व्लॉग में देखा, तो उसके आज हम उन्हें खोलने वाले हैं। वो सामने देख सकते हैं वो सारे बंद हैं। तो अभी सुबह 8 बजे का टाइम हो रहा है, काफ़ी सर्दी है यार बहुत ज़्यादा। तो हमें एक और मसला है, हम ना कबूतरों को अभी सही से जानते नहीं हैं, क्योंकि हमें इनके आइडिया नहीं है कि कौन सा जोड़ा किसके साथ हमने रखा था। बल्कि आइडिया है कि एक फ़ीमेल और एक मेल को ही हमने बंद किया है। तो हम उन पर निशानियाँ लगाने वाले हैं, जैसे कि उनके पाँव पे फ़िलहाल के लिए, जैसे मैं एक पे ये धागा बांधूंगा, एक पे किसी और रंग का कोई धागा, ताकि पहचान में रहे वो। तो हाँ, 7 जोड़े हैं, तो हमें 7 अलग, नहीं नहीं 7 नहीं, 6, क्योंकि एक तो लकी जोड़ा है, लकी जोड़ा तो वैसे ही पहचाना जाता है। तो बस इनके धागे बांधेंगे, फिर इन्हें खोलेंगे एक एक करके। तो उसके बाद इन्हें दाना पानी डालते हैं और देखते हैं कि कैसे रखते हैं ये, क्योंकि मैं रात को तो अंधेरा था तो सही से देख नहीं पाया मैंने। तो अभी खोलते हैं इन्हें। इस तरफ मुर्गियाँ भी सारा अपने नए दोस्तों का वेट कर रही हैं। खोल रहा हूँ, रुको, रात को सारी यहाँ पर आके जमा हो गई थी देखने के लिए कि क्या चीज़ आ गई है। तो अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को, सब्र करो यार। गाइस, सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, टेम्परेचर तकरीबन 4 तक गया हुआ है अभी। तो सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आग जला ली हमने यहाँ पर, और ये देख सकते हैं ये अभी फ़िलहाल के लिए धागे हैं, इस्तेमाल करें कबूतर के पैरों में डालने के लिए, एक मिलती हैं चीज़ें। तो वो अभी सुबह तो बाज़ार बंद होगा, तो अभी हम इन्हें खोलना है। तो अभी फ़िलहाल काम चलाने के लिए ये लगा लेंगे, फिर बाद में वो जो मिलते हैं ना, इनके रिंग टाइप होती हैं, वो इनको ला कर डाल देंगे। सुकून मिल रहा है यार पूरा। एक एक करके जोड़ा निकालते जाएंगे। तो ये धागे बांधने वाले हैं, शीट मैंने ऊपर से हटा ली, तो शीट हटा ली, अब एक एक करके जोड़ा निकालते जाएंगे और उनको बांधते जाएंगे। निकाल लो, जाओ ये कितना तेज आओ तो बंदे। पैर दूर कर रहा है, ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो, खेल लो बच्चा, देखना आग की तरफ ना जाए। यार ये लकी जोड़ा बहुत प्यारा है, देखें यार, ये फीमेल है ब्लैक वाली और ये वाइट जिसका ताज है ये मेल है, काफ़ी कमाल का प्यारा जोड़ा यार ये। तो गाइस फाइनली सारे कबूतर बाहर आ चुके हैं, ये रहे ये लकी का जोड़ा, ये रहा, और सबके पैरों में मैंने धागे बांध दिए हैं। तो बस अब इन्हें जो है यहाँ पर दाना डालेंगे और पानी डालेंगे, फिर देखते हैं कि सब इधर आते हैं या नहीं। ये लोग दाना खाना शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं खाते हुए। तो ये जी मुर्गियों को घास भी डाल दिए। तो एक बैड न्यूज़ ये है कि ये मुर्गी जो है बेचारी मर चुकी है,
एक वो उस तरफ भी दाना डाल दिया, वो बाहर कबूतर है। यार ये एरिया बहुत ज़्यादा ही गंदा है, इसकी आज सफाई करवाएंगे, भाई आएंगे वो सफाई वाले सफाई कर देंगे इसकी अच्छे से। वो देखिए गाइस, लक्की का और वो वाइट वाला एक पेयर है, उसका जो मेल है ये दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। ये शायद कमरे की वजह से लड़ रहे हैं, कह रहे हैं ये वाला मुझे चाहिए, वो दूसरा कह रहे नहीं ये मुझे चाहिए। वो गाइस देखे अंदर, लक्की और वो दूसरा अंदर घुस चुके हैं दोनों मेल। हो लक्की कबूतर जीत गया, उसने निकाल दिया इसको बाहर। ओए हो वो अंदर देखें आवाज़ें कैसे निकाल रहे हैं। चलो हमारे कबूतरों ने दाना नहीं खाया, पर कोई और तो खा रहा है आके। ये देखिए स्पैरो चिड़िया है, ये आके दाना खा रही है, तो अच्छी बात है यार खाने देने। ये हमारे यहाँ पर लॉन में बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ इन दरख्तों में ये रात रात रहती हैं, रात में बहुत ज़्यादा आती हैं, अभी सुबह के टाइम चली गई हैं। चावल मंगवा लिए बाहर से, नाश्ता करते हैं, सुबह का टाइम है, भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है यार। हम इधर नाश्ता कर रहे हैं, उधर वो मस्तियाँ कर रहे हैं और आवाज़ें निकाल रहे हैं, और ये जुएँ ही ढूंढते रहते हैं, पता नहीं कितनी जुएँ हैं इनमें। अभी मज़ा आ रहा है, जिंदाबाद में सब्र होता है। गंदे आदमी सारे मेरे पे गिरा थी यार। कबूतर काफ़ी प्यारे लग रहे हैं सारे, देखें वो। ये काम करना, ये जो है ये तोड़ा, इसके अंदर हम तूड़ी भर के लाए हैं, जिसको पता नहीं और क्या कहते हैं, पर यहाँ पर तूड़ी कहते हैं इसे। तो ये तोड़े के अंदर हम भर के लाए हैं, तो वो इन कमरों के अंदर डालेंगे, इन सब के अंदर, क्योंकि ये है कि नीचे जो है इनकी जो इनका जो फर्श है वो जो है टाइल का बना हुआ है, तो वो ठंडा होगा काफ़ी, जो है ना मिट्टी की लिपाई भी नहीं हुई उस पर, तो वो ठंडे हैं काफ़ी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जो है तूड़ी वो डाल देंगे, तो उसे ठंडी नहीं लगेगी, गर्म रहेंगे, और उसमें अंडे वगैरह भी दे देंगे, थोड़ा नरम जगह हो जाएगी ना, तो वो काम करते हैं अभी जाके, और उस पर बैठ भी जाए करेंगे। यार इस धुएं ने मेरी जान ले ली है, तब से मेरी तरफ ही आ रहा है बार बार, इसको ले जाए यार उधर, ख़त्म करना। वो तो ये वाला जो है ये है तूड़ी, जैसे क्या ये तूड़ी है, ये हम इन कमरों में डालेंगे तो ताकि ये कमरे जो है गर्म रहे इनसे। तो शुरू करते हैं। एक एक हाथ बड़ा है, बस एक एक मुट्ठी। मैंने पानी को वहाँ पर रख दिया, देखिए अब सब पीने आ रहे हैं पानी। ये देखें ये भी जा रहा है पानी पीने के लिए, उधर सारे पी रहे हैं। यहाँ पर रखा हुआ था तो कोई पी नहीं था रहा, तो अभी वहाँ पर रख दिया, तीन चार पी रहे हैं। कमरे काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये, इसकी वजह से अब ये तूड़ी जो डाली है इससे ज़्यादा कमरे अच्छे लग रहे हैं, और एक तो ये गर्म भी रहेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी था, वरना हमारे कबूतर ठंड से ही मर जाते। तो बस आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट बर्ड भी लाने वाले हैं, और तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि हम आगे क्या चीज़ लाएँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।